पेज पे भी एडिट होकर एडिट हो गया है। ओके सर, सेशन थोड़ा सा समझा दीजिए दो सेशन कैबिन वाले। থ্যাংক ইউ সো মাচ চৈত্র, একদম ঠিক বলেছো, চলে এসেছি। রাইট নামি সেন্ট্রাল পার্ক মেলা গ্রাউন্ডে রাইট নামি চলে এসেছি, যা পে চল রা 44th কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার। জি হ্যাঁ, সাল কা থিম জো হ্যায় রাশিয়া হ্যায়, ইসিলিয়ে ইস ওয়াক্ত রাশিয়ান ন্যাশনাল স্ট্যান্ড সে বিলকুল মাই রিপোর্ট কর রা হুঁ। বহুত সারে আচ্ছে আচ্ছে সেশন জো হ্যায় হর দিন ইয়াহাঁ পে হো রহে হ্যায়, আর আজ ভি বহুত সারে সেশন জো হ্যায় ও হোনে ওয়ালে হ্যায়। হামারে সাথ ইস ওয়াক্ত নন আদার দ্যান এডিটর অভিষেক আগরওয়াল, উনকে সাথ হামারি বিলকুল লাইভ বাতে হোনে ওয়ালি হ্যায়। এক বহুত হি আচ্ছি সেশন জো হ্যায় ও শুরু হোগি, পোয়েট এন্ড হিন্দি ট্রান্সলেটর অনিল জনবিজয় স্যার थोड़ी देर में ही सेशन में नजर आने वाले हैं, और उनके साथ रहेंगे एडिटर अभिषेक अग्रवाल। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हमारे शो फ्रेंड्स आता की शुरुआत जो है अभिषेक सर की आवाज के साथ ही की जाए। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू। वेल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस सेशन के बारे में, जो सेशन शुरू होने वाली है। अनिल सर पूरी तरह से तैयार है, आप तैयार है, ऑडियंस जो है फुल पैक नजर आ रहा है इस वक्त रशियन नेशनल स्टैंड। कुछ कहना चाहेंगे इस सेशन के बारे में? खुद हम भी जो है अपनी नई किताब सूखे होठों की प्यास, जो अनुवाद है ओसिप मंदेलस्ताम का की कविताओं का, उसको यहाँ पर पे सबके सामने लाते हुए बहुत ही एक्साइटेड हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी को उनके बारे में जानना और अनिल जी के मुँह से उन कविताओं को सुनना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं बता दूं कि अनिल सर के साथ थोड़ी देर पहले ऑफ एयर में ही बातें हो रही थी, 32 उन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट किया, रशियन बुक्स के बारे में 32 बुक्स उन्होंने ट्रांसलेट किया है, कविताएं उन्होंने ट्रांसलेट की है, और मेरे बहुत ही फेवरेट हो गए हैं अनिल सर। जब मैंने उनके साथ बातें की, उनके बारे में हमने जाना, तो लोग अगर उनके साथ रूबरू होना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बुक्स के बारे में, तो उनको रशियन नेशनल स्टैंड में आना ही चाहिए। अभिषेक सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये स्टैंड कैसा लगा, कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर कैसा लगा अभी तक आपने देखा, आपको कैसा लगा? हम लोग हिंदी प्रकाशक हैं और दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, तो एक बांग्ला भाषी क्षेत्र में हिंदी की किताबों को लेकर के आते हुए बहुत सारे सवाल थे मन में, क्या कि हम लोग क्या होगा, हम लोग एक कोने में रहेंगे, पता नहीं यहाँ के लोगों की कुछ रुचि उन सब किताबों में हिंदी में होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ें देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आकर के यहाँ के पाठकों से मिलकर के ऐसा लगा कि हिंदी से भी उनको उतना ही प्रेम है जितना प्रेम उनको बंगला से है, अपनी मातृभाषा से है। और यहाँ के आयोजकों को और इस पूरे सेमिनार के को करने वाले सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी की हैं और पाठकों का प्रेम तो हमें मिल ही रहा है। बिल्कुल सर, जाते जाते जो सेशन होने वाले हैं, दो दो सेशन बैक टू बैक होंगे, अभी इसके बारे में कुछ अगर बताते हैं सर। पहला सेशन हमारा ओसिप मंदेलस्ताम की कविताओं के बारे में है। ओसिप मंदेलस्ताम का स्तर रशिया में वही है जो बंगला में रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। ओसिप मंदेलस्ताम स्टालिन की वजह से या कुछ चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट रूप में अपनी कविताओं के संदर्भ में कह देने की वजह से उनको बहुत कम उम्र में ही कारावास भेजा गया। उसी सब दौरान उनको उन्होंने काफ़ी यंत्रणाएं सही वहां पर पे, और मात्र 42 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी कविताओं को सुरक्षित रखा उनकी वाइफ नदीजदा इस्तिलताम ने, और वो कविताएं उनकी काफ़ी समय के बाद में प्रकाशित हुई और पूरी विश्व में, तकरीबन विश्व की सभी भाषाओं में वो अनुदित हुई और बहुत सराही भी गई। मंदेलस्ताम अपने आप में एक बहुत ही कठिन शैली के कवि माने जाते हैं। कठिन शैली शायद इसलिए क्योंकि वो चीज़ों को सीधे सीधे कह देने में यकीन रखते हैं, और सीधी सीधी कही हुई बात लोगों को आज के समय में भी और उस समय में भी ज़्यादा कठिन महसूस होती थी। उन कविताओं का एक बहुत सुंदर अनुवाद किया है अनिल जी ने,
और वो किताब अमेजॉन पर भी उपलब्ध है और भी सब जगह पर उपलब्ध है। उस किताब का नाम है सूखे होठों की प्यास, और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस किताब को वो ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, फ्रेंड्स सब को समय देने के लिए। वेल, ये छोटा सा इंटरव्यू अभिषेक सर के साथ था। अनिल सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ होने वाली है, एक सेशन जो है वो शुरू ही होने वाला है। तो आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं और आप इस बुक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको अभी इस वक्त रशियन नेशनल स्टैंड में आना ही चाहिए। अरे छोटा ब्रेक नहीं, बैक टू यू ऑडिट्रो। सुपर सर, थैंक यू।